पे भी जाएगा, है ना? यूट्यूब पे भी डालना है इस वीडियो को। उसको भी स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाते हैं, इसमें ज्यादा है नहीं। हेलो स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर बताए थे चैप्टर वन का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा था, और फिर हम लोगों ने ये उसका डेटा इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर का कितना फंक्शंस होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखोगे ये सब बता चुके थे, ये भी बता चुके थे। ये टॉपिक बचा हुआ था, एक कंप्यूटर हैज फोर फंक्शंस। कंप्यूटर कितने फंक्शंस को रखता है? चार फंक्शंस को रखता है। कंप्यूटर में पहला, कंप्यूटर जब हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा को डालना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट डेटा, ये बोला जाता है। एक्सेप्ट, कंप्यूटर डेटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मीन्स होता है लेना, डेटा को लेता है। तो जो डेटा को लेने का जो काम करता है कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर डेटा के साथ प्रोसेस करता है, मतलब काम करता है, प्रोसेसेस डेटा, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। जो डेटा डालेंगे उसके साथ वो प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आउटपुट देता है, प्रोड्यूस मतलब होता है देना, देता है, क्या देता है? आउटपुट देता है। जो आउटपुट देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, और स्टोर्स रिजल्ट, तो रिजल्ट को सेव करता है, तो रिजल्ट को जो सेव करता है वो मेमोरी में करता है, इसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। समझ में आया? कंप्यूटर में मेनली फोर फंक्शंस होता है, चार ऑपरेशंस कंप्यूटर में मेनली होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। समझ में आया? पहले इनपुट करो, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट देगा, आउटपुट देने के बाद उस आउटपुट को हम लोग सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा। अगला जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो हम लोग को जानना है कि इनपुट क्या होता है। इनपुट, तो इनपुट डेटा को बोलते हैं। जैसे आप कोई डेटा ही डालोगे कंप्यूटर के अंदर, इनपुट करोगे तो क्या करोगे? डेटा करोगे इनपुट। जैसे कोई इमेज हो गया, वीडियो हो गया, लेटर हो गया, नंबर हो गया, ये सब डालेंगे। एवरीथिंग डेटा विच इज अवेलेबल इन साइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी स्टोर होता है वो सब का सब क्या है? डेटा है। तो वो डेटा हो गया। जो इंटर किया जाता है, इंटर मतलब होता है डालना, डाला जाता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। कहां से? इनपुट डिवाइस से। तो इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा? कीबोर्ड, माउस, ये सब आ जाएगा, माइक, ये सब के थ्रू हम लोग डेटा को डाल सकते हैं, कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर कोई बोलता है कि इनपुट क्या होता है तो आप आंसर दोगे इनपुट एक डेटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है इनपुट डिवाइस से, ठीक है, या इनपुट डिवाइस के थ्रू ये बोल सकते हो। इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एटसेट्रा। डेटा क्या क्या हो सकता है? तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, ये सब डेटा हो, इनपुट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस डेटा का ऑपरेशन होता है, वही लिखा हुआ है, प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा। ऑपरेशन मतलब कार्य होता है, मतलब कंप्यूटर जिसके साथ काम करता है उसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो डेटा कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहेगा कंप्यूटर उसी के साथ ना काम करेगा, किसी और डेटा के साथ तो वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को ऑपरेशन करवाता है, डेटा को काम करवाता है एज पर गिवेन इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसा उसको आप निर्देश दोगे कंप्यूटर वैसा प्रोसेस करेगा। और ये टोटली इंटरनल प्रोसेस होता है, जो हम लोगों को दिखता नहीं है, ये पूरा पूरी इंटरनल प्रोसेस होता है, अंदर का काम होता है जो हम लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वही लिखा हुआ है, इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये टोटली इंटरनल प्रोसेस होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये पॉइंट आ गया समझ में? तो आपको कोई बोलेगा कि प्रोसेस किसको कहते हैं, तो आप आंसर दोगे कि डेटा का जो ऑपरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर उसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। डेटा के कंप्यूटर के अंदर
सॉरी कंप्यूटर के अंदर डेटा का जो काम होता है, डेटा का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है, मतलब काम करने के बाद रिजल्ट आता है, जो दिया जाता है, गिवेन बाय द कंप्यूटर। उसको देता कौन है? कंप्यूटर। रिजल्ट कौन देता है? कंप्यूटर देता है। आफ्टर प्रोसेसिंग या बिफोर प्रोसेसिंग? तो काम करने के बाद, तो आफ्टर मतलब होता है के बाद, बिफोर मतलब होता है के पहले। समझ में आया? तो काम करने के बाद देता है, तो वही हम लिखे हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट जो आएगा वो प्रोसेसिंग के बाद आएगा। आउटपुट इज आल्सो नोन एज रिजल्ट। आउटपुट को रिजल्ट भी बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मल भाषा में समझना है कि आउटपुट प्रोसेस्ड डेटा होता है, काम किया हुआ डेटा होता है, जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है प्रोसेसिंग के बाद, काम करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। स्टोरेज को मेमोरी भी बोलते हैं, इसको आप मेमोरी बोल सकते हैं। स्टोरेज इज अ मेमोरी, जो जिसके रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्यों करते हैं? तो फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में काम आने के लिए हम लोग स्टोरेज का यूज करते हैं। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। हम लोग रिजल्ट को सेव कर सकते हैं भविष्य में काम आने के लिए, किसके अंदर? स्टोरेज डिवाइस के अंदर, मेमोरी के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो कंप्यूटर का चार फंक्शंस होता है, चारों फंक्शंस आपको बता दिए। पहला ये बताए कि इनपुट होता है, तो इनपुट डेटा को बोलते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस किसका होता है? तो डेटा का ऑपरेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। और जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट बोलते हैं, और उस आउटपुट को हम लोग सेव कर सकते हैं, जिसको स्टोरेज बोलते हैं। समझ में आ गया? ये है लॉजिक। अब आप समझना अगला है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फीचर क्या क्या होता है? फीचर मतलब हो गया विशेषता। कंप्यूटर का विशेषता क्या क्या है, कंप्यूटर का गुण क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के गुण को समझना है कि कंप्यूटर का गुण क्या होता है। ठीक है, इसमें आप समझोगे। देखो, कंप्यूटर का जो गुण है जिसको फीचर्स बोलते हैं, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी फीचर्स को हम लोग, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे एडवांटेजेस। इसको तीन नाम से जाना जाता है, एग्जाम में अलग अलग पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। फीचर्स बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर एडवांटेजेस बोलते हैं, ये दिमाग में रखोगे। तो कंप्यूटर का पहला एडवांटेज होता है स्पीड। ये थ्योरी नहीं भी याद करोगे, समझ लो सिर्फ कि काम क्या है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये जो नाम दिया हुआ है इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहला गुण है कंप्यूटर का स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज होता है, किसी भी काम को बहुत जल्दी कर देता है। वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। बहुत स्पीड मशीन होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। इट हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वो कैलकुलेट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, उसके पास इतना क्षमता होता है। तो कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, इसीलिए इसका पहला गुण स्पीड होता है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। स्पीड मतलब तेज होता है, स्पीड का हिंदी तेज होता है, एक्यूरेसी का हिंदी शुद्धता होता है। मतलब कंप्यूटर जो है किसी भी रिजल्ट को सही सही बताता है। कंप्यूटर रिजल्ट को कभी गलत नहीं बताता है, हमेशा रिजल्ट को सही बताता है, अगर आप सही इनपुट किए हो तो। तो इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस। कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट डिवाइस होता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स वेरी एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी विथ ग्रेट एक्यूरेसी। मतलब किसी भी काम को ग्रेट एक्यूरेसी के साथ करता है, सही सही बताता है। ठीक है, इट मेक्स एनी मिस्टेक दैट इज ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रक्शन और इनपुट सप्लाइड बाय द यूजर। अगर यूजर के द्वारा कुछ गलत इनपुट किया गया है तभी यह मिस्टेक कर सकता है। गलत आप अगर सही सही इनपुट करोगे तो कंप्यूटर कभी भी रिजल्ट को गलत नहीं बताएगा, हमेशा रिजल्ट को सही बताएगा। तो यह कंप्यूटर का गुण हुआ। कंप्यूटर का गुण है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सही होता है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होता है, रिजल्ट को सही सही बताता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का हिंदी होता है चंचलता। कंप्यूटर बहुत तेज होता है, ठीक है। वर्साटिलिटी का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर में हम लोग एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे आप फोन यूज करते हो, तो फोन में क्या करते हो आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, साथ में फेसबुक भी चला रहे हो, कुछ पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग करते हो, एक समय में एक से ज्यादा काम करते हो। ये इसी को बोला जाता है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब होता है वर्साटिलिटी मींस वी कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक से ज्यादा काम कर सकते हैं एक समय में, ये होता है वर्साटिलिटी का मतलब। तो इसमें बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इसको हम लोग वर्साटिलिटी को हम लोग मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से ये बोला जाता है, मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में एक से ज्यादा काम जो करता है उसी को हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। देखो वर्साटिलिटी मींस टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम को करता है उसी को वर्साटिलिटी बोलते हैं। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड को याद रखना। अगर कोई बोल दिया कि कंप्यूटर के गुण को बताओ, तो पहला बताओगे स्पीड, एक्यूरेसी, वर्साटिलिटी, डेलिजेंस, स्टोरेज, फाइव होता है। वर्साटिलिटी को ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डेलिजेंस। डेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं। आप मॉर्निंग टू इवनिंग उसका यूज करो, वो सेम स्पीड में काम करेगा। हम लोग इंसान हैं, हम लोग का बॉडी थक जाता है, सुबह स्पीड कुछ और होता है काम करने का, शाम होते होते इवनिंग होते होते मेरा बॉडी टाइट फील करने लगता है तो स्पीड कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में वैसा नहीं, कंप्यूटर ऐसा नहीं मॉर्निंग में स्टार्ट किए तो दोपहर होते होते बोलेगा कि आप थोड़ा रेस्ट दो बाद में चलाना, ऐसा नहीं बोलेगा कंप्यूटर कभी, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। लेकिन डेलिजेंस का हिंदी होता है कमठता। कमठता उसको बोलते हैं, उस जगह पे बोला जाता है जो काम करने में बहुत तेज होता है, ठीक है। तो डेलिजेंस मींस कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्म्स समथिंग कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ भी काम करते रहता है कंटिन्यूअसली विथ सेम एक्यूरेसी, सही रिजल्ट के साथ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में है कंप्यूटर हैज कैपेसिटी टू स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के पास ये क्षमता है कि वो बहुत बड़ा बड़ा डेटा को स्टोर करके रख सकता है, अपने पास जमा करके रख सकता है। समझ में आ गया। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर के गुण को बताओ, तो पहला बताना स्पीड। स्पीड क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सभी रिजल्ट को सही बताता है, जो भी इनपुट करते हैं रिजल्ट सही बताता है। नेक्स्ट वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मल्टीटास्किंग को ही बोलते हैं। वर्साटिलिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्यूटर एक समय में एक से ज्यादा काम को करता है। डेलिजेंस इसलिए बोला जाता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर सेम स्पीड में सेम एक्यूरेसी के साथ काम करते रहता है। स्टोरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जमा करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। ये पांच इसका एडवांटेजेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। इसको आप दिमाग में रखोगे, आपके एग्जाम में ऑप्शंस में यही आएगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है, अभी आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क। ये है ऑप्शन में, ए में दिया रहेगा, ए में स्पीड, बी में दिया रहेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, सी में दिया रहेगा डेलिजेंस, क्या दिया रहेगा डेलिजेंस, और डी में दिया रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा,
वर्ड याद रखना है आपको। तो स्पीड भी कंप्यूटर का फीचर है, फीचर पूछ रहा है, कंप्यूटर का फीचर है, एक्यूरेसी भी फीचर है, डिलीजेंस भी फीचर है, तो ऑल ऑफ दीज में टिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टोरेज भी दे सकता है, वर्सेटिलिटी भी दे सकता है, तो ये पांच वर्ड याद रखना है। और मल्टीटास्किंग वर्सेटिलिटी को ही बोलते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता दोगे अगर आप पांच ऑप्शन जान रहे हो, दो भी जान रहे हो तो एक तो होगा नहीं, फिर ऑल ऑफ दीज में चला जाएगा। तो हम लोग पकड़ सकते हैं ऑप्शंस को, बस हमको वर्ड्स याद रखना है कि कंप्यूटर का गुण स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, स्टोरेज, ये होता है। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट समझिएगा। अगला है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज भी इसको बोलते हैं, डिसएडवांटेज है ना। इस लिमिटेशन को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, इसको और में डिसएडवांटेजेस भी बोला जाता है, डिसएडवांटेजेस ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पहला डिसएडवांटेज होता है नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर के पास किसी भी तरह का दिमाग नहीं है, उसके पास सोचने समझने का क्षमता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंप्यूटर का पहला जो डिसएडवांटेज है जिसको अवगुण बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका नो आईक्यू। यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ, मतलब कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता है, उसके पास सोचने समझने का क्षमता नहीं। हम लोग से स्पीड काम करता है, लेकिन हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तब काम करता है, वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, खुद से सोच नहीं सकता है। जिस दिन कंप्यूटर सोचना स्टार्ट कर देगा ना, उस दिन मेरा और आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो हम लोग से तो तेज है ही है, हम लोग का दिमाग से नहीं चलेगा, वो अपने दिमाग से चलेगा और किसी भी काम को फास्ट कर देगा। तो ये सब अगर उसका ये डिसएडवांटेज है तो हम लोग के लिए बेनिफिट है, हम लोग को तभी वैल्यू मिल रहा है इस दुनिया में। समझ में आया? तो कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता है, ठीक है, डज नॉट हैव कॉमन सेंस, कंप्यूटर के पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो नो आईक्यू, आईक्यू मतलब दिमाग होता है, नो आईक्यू मतलब कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, तो इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, उसके पास किसी भी तरह के निर्णय लेने का कोई क्षमता नहीं होता है। समझ में आया? वो खुद से कुछ सोच समझ नहीं सकता है। वही लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन, कंप्यूटर ना सोच सकता है ना कोई डिसीजन ले सकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है नो ह्यूरिस्टिक्स। नो ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट देते हो तो कंप्यूटर गलत आउटपुट देगा, इसके पास सही गलत सोचने का क्षमता नहीं है। जैसे मान लो कि हम लोग रोड में चलते हैं और हम लोग को कोई बोलेगा कि सर मतलब बोल दिया कि हम बोले किसी को कि तुम उसको गाली दो, तो वो समझ जाएगा ये गलत वर्ड है, ये हमको नहीं बोलना है। तो हम लोग के पास दिमाग है, तो हम लोग को कोई कुछ बोलता है तो हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि सही वर्ड है या गलत वर्ड है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं सोचता है। कंप्यूटर में अगर आप चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप में, किसी को गाली लिख के भेज दिया तो कंप्यूटर नहीं बोलेगा कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, कंप्यूटर चला जाएगा जहां आप सेंड करोगे, उसको मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आप सही इनपुट कर रहे हो कि गलत इनपुट कर रहे हो, उसी को नो ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट दोगे, इफ यू प्रोवाइड द रॉन्ग इनपुट टू द कंप्यूटर देन कंप्यूटर आल्सो प्रोवाइड द रॉन्ग आउटपुट, तो आपका जो कंप्यूटर है वो गलत आउटपुट भी देगा, गलत इनपुट तो गलत आउटपुट, उसी को बोलते हैं नो ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद यहां होना चाहिए इट। इट रिक्वायर्ड पावर टू ऑपरेट, मतलब कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, और अगर कंप्यूटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम मिलता है, प्रॉब्लम में अकर मतलब प्राप्त होना, मिलना, मिलता है ड्यू टू सिस्टम ब्रेकडाउन, तो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका जो है, इसका चार डिसएडवांटेज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा दो है, तीन है, नो आईक्यू, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और नो ह्यूरिस्टिक्स। ये कंप्यूटर का डिसएडवांटेज मेनली जो आता है एग्जाम में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस तरह से, आप इसको देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आया है। ये तो क्वेश्चन आ गया सबको समझ में, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसको हम लोग ये इंपोर्ट कर लिए ना, चलो कोई बात नहीं है। इसमें आप देखोगे ये था
इसमें समझिएगा, ये हम लोग तो लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज 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 डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज आएगा या लिमिटेशन आएगा, ठीक है, एज लिमिटेशन, लिमिटेशन या फिर इसके जगह पे लिखा रहेगा डिसएडवांटेज, कोई भी वर्ड का यूज कर सकता है, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा स्पीड, स्पीड, ऑप्शन बी में दिया रहेगा नो आई क्यू, नो आई क्यू, और सी में दिया रहेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, डी में दिया रहेगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो किसमें टिक करेंगे, किसमें टिक करेंगे, नो आई क्यू में, क्योंकि नो ये तो कंप्यूटर का फीचर है, एक्यूरेसी भी फीचर है, तो ऑल ऑफ दिस का कहानी तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, नो आई क्यू, नो आई क्यू कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है, समझ में आया। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, सेम क्वेश्चन दे देगा, ये सेम रहेगा, ठीक है, सेम यहां पे चेंज कर देगा, ठीक है, और यहां पे लिखेगा नोट, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज करता है, नोट, नोट फीचर ऑफ कंप्यूटर, बोले रहा है बताइए इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का फीचर नहीं है, तो कंप्यूटर, अच्छा यहां तो लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, बोलिए रहा है बताइए इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का फीचर नहीं है, ठीक है, इज नॉट फीचर ऑफ कंप्यूटर, तो स्पीड तो फीचर है, एक्यूरेसी भी फीचर है, नो आई क्यू हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ रहा है, अब ये आपको समझना है, तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर याद रखने से अच्छा ये है कि आप क्या करो, आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वर्ड दिमाग में रखो, क्वेश्चन किसी भी तरह का आएगा उससे आपसे बन जाएगा, किसी को दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर, ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर का यूज कहां कहां करते हैं, तो कंप्यूटर का यूज जो है वो ट्रैवलिंग में किया जाता है, ट्रैवलिंग मतलब ट्रेन बुकिंग करना है, ऑनलाइन है ना, मेट्रो बुकिंग करना है आपको, है ना, और आपका फ्लाइट बुक करना है, सब चीज, सब चीज आप ऑनलाइन कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। एजुकेशन में यूज किया जाता है, शिक्षा में यूज किया जाता है, रिसर्च में यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग मौसम के बारे में पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, कब होगा बारिश नहीं होगा, अभी देखते हो साइंटिस्ट लोग बता देता है तो वो कंप्यूटर से पता करता है। ई कॉमर्स में यूज किया जाता है, ई कॉमर्स मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस करना, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजॉन ये सब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने में यूज किया जाता है, सोशल है ना, सोशल नेटवर्क में यूज किया जाता है जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ये सब में, तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूज है, हम लोग ऐसा ही बता सकते हैं यूज, तो कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बना किस तरह से, कंप्यूटर में बदलाव कैसे आया, क्या क्या उसमें यूज हुआ, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और दिक्कत होता है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, और एप्लीकेशन पे जो है, जो बच्चे लेक्चर को परचेज कर लिए हैं, जो कंप्यूटर साइंस के कोर्स को खरीद लिए हैं, ठीक है, उसका हम लोग का एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड का, उस एप्लीकेशन पे, ठीक है, आपका नोट्स डाला हुआ है, आप वहां से नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए। दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो बच्चे लेना चाह रहे कंप्यूटर साइंस का कोर्स, वो बहुत जल्दी आप परचेज कर लो, ठीक है। आप देखो ये सब लेक्चर डेमो में भी है, आप डेमो में देख लो और समझ लो, आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो, बहुत कम कॉस्ट में आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप यहां से जुड़ते
सकते हो तो ठीक है। तो आप लोग लेट ना करिए, टाइम नहीं है, आप कोर्स को जल्दी जल्दी परचेज करिए तो और सिलेबस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। और साथ में देखो पैटर्न क्या है कि एमसीक्यू भी बताया जाएगा, सब्जेक्टिव एमसीक्यू आपको हर एक चैप्टर का बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका क्लास लिया जाएगा सीक्वेंस में, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप है ना, आप बहुत मतलब बिना टेंशन का आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, आपको थोड़ा भी सोचना नहीं है कि मेरा तैयारी कैसे होगा, सारा तैयारी करवाया जाएगा, बस आपको मेहनत करना है और पढ़ना है घर में। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थैंक यू।